हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बात करेंगे एक ऐसे शेयर की। अभी पीछे हमने डीएफएम फूड के बारे में बात किया था, आज हम बात करेंगे सेम एफएमसीजी और स्नैक्स वगैरह से रिलेटेड। एक कंपनी है प्रताप स्नैक्स, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा था डीएफएम में कैसे हमने जिस दिन कॉल्स दी और वीडियो अपनी शेयर किया और उसके बाद अच्छा अपमूव दिखाया, और अभी वो बहुत चलेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा एक प्रताप स्नैक्स जो है हमारे रडार पे आया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। मैंने आज उसमें पोजीशन भी बनाई, तो एक बार शेयर करते हैं। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है आप, और शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा और लॉन्ग टर्म में भी आप होल्ड करते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जब हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से जब हम देखते हैं, थोड़ा टाइम देने के लिए सोचते हैं, तो पहले हम सबसे पहले उसका फंडामेंटल देखना चाहिए। तो हम एक बार स्क्रीनर पे आके प्रताप स्नैक्स का एक बार हम देख लेते हैं। मार्केट कैप है 1624 करोड़ का, ठीक है, जो करंट प्राइस अभी चल रहा है 692 680 के आस, अभी अपडेट नहीं हुआ है। आप इनका बिजनेस देखोगे तो फ्रेंड्स काफी फेमस इनका ब्रांड है। वैसे प्रताप स्नैक्स के नहीं तो डायमंड के नाम से आप जानते होंगे। ये देखिए, डायमंड ब्रांड एंड स्वीट स्नैक्स अंडर द रिच स्टेस्ट ब्रांड, ठीक है। फूड कंपनी इंगेज मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग मल्टी प्रोडक्ट, ठीक है, वेरिएंट लाइक पोटैटो चिप्स। यार इसका एड भी हमारे सलमान भाई करते हैं, तो आप डायमंड के नाम से तो इसको जानते ही होंगे, ठीक है। और अगर हम इसकी सेल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि एनुअली, अगर एक बार क्वार्टरली आप यहाँ पे देखोगे सेल्स ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ये डाउन हुआ है जून क्वार्टर में। पता है फ्रेंड्स, सब कुछ तो बंद था, कितना भी गया उसके बाद भी बहुत ही अच्छी सेल है, हम इसको गलत नहीं माने, कम नहीं मानेंगे, ठीक है। एनुअली आप देखोगे तो कंपनी लगातार 173, 344, 559, 1017, मतलब कंटिन्यूअस अपने सेल्स को बढ़ा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये तो ऐसा बिजनेस और ऐसा ब्रांड है ना भाई, बहुत लोगों को शाम को इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, मिडिल क्लास बहुत लोगों को। और खासकर जब हमारे फ्रेंड्स बैठे हों, चार लोग हम बैठे हों, उसमें से दो सॉफ्ट ड्रिंक वाले हों, फिर तो बेचारे यही बचाते हैं हम लोगों को, यही खरीद दो 5-6 पैकेट खाते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो और सबसे अच्छी बात क्या है ना फ्रेंड्स, अभी इसमें क्या है, इनमें आप देखोगे ना, इनमें जो शेयर कैपिटल है ना वो बहुत ही कम है, 12 करोड़ बस शेयर्स हैं मार्केट में, ठीक है। वो भी सारे बड़े प्लेयर्स रखे होंगे, थोड़ा बहुत होगा, तो इनमें मतलब बहुत ही तेज है। रिजर्व पे आप देख रहे हो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये देख रहे हो 216, 550, 611, और कर्जा तो कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही सोचा थोड़ा बहुत तो रहने दो भाई, कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटली कहीं से कोई दिक्कत है नहीं फ्रेंड। और प्रमोटर देख रहे हो 71.48%, मतलब स्टेक एकदम दबा के, मतलब पूरे दम से बैठे हैं भाई, इनको भरोसा है कि भाई हम तो धमाल करेंगे अपने ब्रांड पे, अपने उस पे। एफआईज का भी आप देखोगे तो इन्होंने भी अच्छा खासा स्टेक ले रखा है 4.66, ठीक है। हमारे डीआईज ने थोड़ा बहुत स्टेक भी बढ़ाया है और अच्छा होल्ड कर रहे हैं डीआई भाई, इनको भरोसा है। तभी पब्लिक के पास 7% है पब्लिक के पास, चलिए बढ़िया है। तो सोच लो आप, केवल 7% पब्लिक के पास है, आप सोच सकते हो ना, मतलब जिस रेट पे ऐसे ट्रेडिंग चलेगी भाई, 5 रुपए में अभी अगर मान लो इसका प्राइस क्या चल रहा है, 680 चल रहा है, तो सेलर कहेगा भाई देख 700 में लेना हो तो ले ले, नहीं तो कोई बात नहीं, बेटर रहता भाई, लोग लेते हैं 700 में। तो जब शेयर कम हो ना, तो वो आपने देखा होगा एफएल हुआ आपका, डिक्सॉन हुआ, तो ये सब कैसे भागे, क्योंकि वहां पे इतना वो नहीं होता है कि भाई बहुत सारे शेयर हैं, नहीं इस रेट पे ले लो 25 पैसे पे, उस पे सीधे 2 रुपए, 3 रुपए, ऐसे करके 1 रुपए, ऐसे करके इसमें बिडिंग चलती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया, इसका फंडामेंटली तो आपको लग गया होगा, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और एक बार हम इसका टेक्निकल अगर देख लें कि एंट्री क्यों लें, तो आइए डायमंड साहब, शाम हो रही है, आपकी जरूरत बहुत लोगों को होगी, है ना। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, आप अगर इसका एक चीज देखोगे तो इसमें अगर आप एक चीज ये देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये जो वैलेट लाइन है ना, ये 200 EMA, अगर आप देखोगे तो इसको रिस्पेक्ट दे रहा है ना, अच्छा खासा मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। और अभी क्या है, 20 EMA पे सपोर्ट भी ले रहा है, ठीक है, मूविंग MACD क्रॉसओवर, ठीक है, ये चीजें हमारे फेवर में है। उसके बाद आप एक चीज देखोगे, देख रहे हो ये, देख रहे हो इसको कितना बढ़िया, ये जो पहले इसका ये रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हो, अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। एक बार ब्रेक भी किया लेकिन झटके से निकल गया, ठीक है। ये उस समय कुछ बैड न्यूज थी जिसकी वजह से ये इतना नीचे आया था, ठीक है, और उसके बाद इसने फिर से अपना इसको ब्रेकआउट किया, फिर से ये यहाँ से ब्रेकआउट किया और फिर इसको अब ये फिर एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि अब ये इसको ब्रेक करेगा या ब्रेक करता है, इसलिए ये मैंने ये कॉल दी। फ्रेंड्स, बहुत ही नीचे आपका वो है टारगेट, जो सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल है, बहुत स्टॉप लॉस बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वैसे ये पोर्टफोलियो में रखने का है, तो अगर 3 महीने 6 महीने भी दे देते हो ना यार, तो ये जो आपका ये टारगेट निकल के आता है ना 805, ये भाई कहीं नहीं गया है, ये मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है 1-1.5 महीना भी हो सकता है, दिवाली के पहले बोनस दे ही दे ये, हाँ इतना आपको दे ही दे। अगर आप देखो ना 800 का भी अगर तो ट्वेंटी परसेंट, 20% यार दिवाली तक मुझे लग रहा है कि ये 20% दे जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसमें आज बाई किया है। मेरा लेवल है सेम, उसी लेवल पे लगभग क्लोजिंग भी हुई है, 680, 680, नहीं 682 पे मैंने बाइंग की है, ठीक है। और DFM भी अभी मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी वो और ही वो देगा, एक पोर्टफोलियो से मैंने उसको निकाल दिया, दूसरे से अभी होल्ड कर रहा हूँ। ADF फूड मैंने निकाल दिया था, वो पहले ही मैंने टेलीग्राम पे कॉल्स दी हुई थी, तो ये सब समझ लो सोना है, क्योंकि शाम को चखने की जरूरत बहुत पड़ती है भाई, ठीक है लोगों को। तो ठीक है, अब आप लोग देखिए और बाइंग करनी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा सर, ठीक है। और प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर आपको कुछ जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल रही है तो, ठीक है। ये मत सोचिए ये फ्री का है यार, फ्री का ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, ट्राई करिए एक बार, वॉच करिए, टेलीग्राम चैनल को देखिए, मैं लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भूल जाता हूँ दे दूंगा, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर लो, है ना, क्या जाता है दबा देना, चलो घंटा भी दबा देना भाई, ओके ठीक है, जय हिंद जय भारत।